Hello friends, welcome to the channel Masters of Botany again and I am your friend Vinay Kumar Singh. इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ फंगजाई के बारे में, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स. यहाँ से मैंने आपको अभी तक इसके बारे में जनरल क्लासिफिकेशन बताया, ठीक है, जहाँ पे आपने देखा इक्लर का क्लासिफिकेशन था नॉर्मल वाला, और फिर वहाँ पे मेनली फंजाई के लिए मैंने आपको एम्सवर्थ का क्लासिफिकेशन बताया था, फिर जनरल आइडिया मैंने आपको दिया था वहाँ पे जो सब डिविजन थे मैस्टिको माइकोटीना जाइगो माइकोटीना एस्को बेसिडियो एक्सेट्रा के. तो ये जो है वीडियो, इसमें आपको जो एमएससी एंट्रेंसेस के लिए आप जो फंजाई पोर्शन पढ़ते हैं उसमें से कौन से ऐसे टॉपिक है जहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, जो आप कह लीजिए मस्ट रीड टॉपिक्स हैं, ठीक है. फर्स्टली फर्स्ट टॉपिक है यहाँ पे, वो है जर्नल आइडिया अबाउट फंजाई. फंजाई क्या कैरेक्टर होता है वो आपको यहाँ पे पढ़ना है. ध्यान दीजिएगा, एमएससी के लिए बहुत लोग जो है बुक्स का यूज़ करते हैं, काफ़ी डीप सोचते हैं कि क्वेश्चन आएगा, पर काफ़ी जर्नल क्वेश्चन आते हैं, ठीक है. तो मैं आपको ये पहले बता दे रहा हूँ, जो भी यहाँ पे टॉपिक दिया हुआ है उसके बारे में आपको जर्नल आइडिया ही रखना है, ठीक है. तो जैसे अगर मैं बात करता हूँ फंजाई का, तो फंजाई क्या है भाई, एकदम जर्नल डिफिनेशन जो होता है, दे आर अ क्लोरोफिलस, ठीक है, उनका यूनिसेलुलर होता है, नॉन जैकेटिक्स ऑर्गन होता है, ऐसे ऐसे करके जो जर्नल पॉइंट्स हैं यही वहाँ पे एमसीक्यू में आता है आपका. तो आप जर्नल आइडिया रखेंगे फंजाई के बारे में, जैसे सैप्रोफिटिक है कि नहीं है, ये कैसे एल्गी से डिफरेंट है. फिर उसके बाद क्लासिफिकेशन आप पढ़े होंगे, तो जर्नल आइडिया आपको होना चाहिए कि मैस्टिको जाइगो एस्को बेसिडियो और ड्यूटेरियो माइकोटीना ये एक दूसरे से क्यों अलग हैं, ठीक है. केवल जर्नल आइडिया, डीप में नहीं पढ़ना है आपको. फिर हम आते हैं मैस्टिको माइकोटीना पे. जैसे अब मैंने आपको बताया, जब आप जनरल आइडिया रखेंगे सारी चीज़ों के बारे में, मीन्स मैस्टिको जाइगो एसो के बारे में हल्का हल्का, ठीक है, एक दूसरे से कैसे अलग है, उतना ही आप जो एमसीक्यू आता है इसके बेसिस पे आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं. तो मैस्टिको माइकोटीना में अगर मैं बात करता हूँ, तो जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है वो माइकोटा के बारे में पूछा जाता है. वो माइकोटा है क्या, ठीक, क्या कैरेक्टर है उमायकोटा का. तो जर्नल पॉइंट्स, दो तीन पॉइंट्स ही आपको जानना है. फिर इसके बाद अगर इसके मेंबर की हम बात करते हैं, तो यहाँ पे मैस्टिको माइकोटीना के अंदर एल्ब्यूगो, पाइथियम, सैक्रोलेग्निया, सिंकाइट्रियम, पेरनोस्पोरा, फाइटोप्थोरा, ये जो मेंबर हैं इसके, यहाँ से इस पे बेस्ड एमसीक्यू बहुत बार पूछे जाते हैं. जैसे एल्ब्यूगो जो है उसका जो डिजीज़ सिम्टम कैसे होता है, एल्ब्यूगो है क्या, सैप्रोलेग्निया क्या है, ठीक है, जैसे ये बहुत जनरल क्वेश्चन आते हैं इससे, ठीक है. एल्बिगो जैसे डिजीज़ काज करता है तो उसको क्या बोलते हैं, ठीक, जैसे वाइट रस्ट बोलते हैं, ऐसे आता है, विच वन ऑफ दीज इज़ नोन एज वाइट रस्ट, तो एल्बिगो, बस ऐसा ही बात. उसके लाइफ साइकिल के बारे में आपसे ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, ये कैसे वहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, तो जर्नल ऐसे ही, किसको ये बोलते हैं, किसको वो बोलते हैं, पाइथियम क्या डिजीज़ काज करता है, सैप्रोलेग्निया से वाटर फंजाई किसे बोलते हैं, तो आप बोलेंगे सैप्रोलेग्निया है, ऐसे करके. सिंकाइट्रियम कौन सा डिजीज़ काज करता है, फाइटोप्थोरा से कौन सा डिजीज़ काज होता है, ऐसे करके, ठीक है. फिर ऐसे ही जाइगो माइकोटीना में आप आएंगे, तो राइजोपस से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो भी जर्नल. आप ध्यान दीजिएगा, आप काफ़ी डीप मत पढ़िएगा, जर्नल क्वेश्चंस जो हैं अटेम्प्ट करिए एमसीक्यूज इसके बेसिस पे. जैसे मैंने यहाँ पे कैटेगराइज किया है मैस्टिको माइकोटीना में कौन कौन से हैं, ऐसे आप जो है जो भी आपको बुक मिले एमसीक्यू का वहाँ से आप इन पे बेस क्वेश्चन को छाटिए और आपको बहुत फ़ायदा होगा. अब बात करते हैं एस्को माइकोटीना में, तो इस पे जो क्वेश्चंस आते हैं वो इसके जनरली फ्रूटिंग बॉडीज़ पे आते हैं. जैसे इनमें से कौन सा है जो डिस्क शेप का है, या फ्लास्क शेप कौन सा है, जैसे एपोथीशियम है, पेरिथीशियम जैसे होता है वो फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर होता है, तो ऐसे पूछ लेंगे कि इनमें से कौन सा फ्लास्क शेप फ्रूटिंग बॉडी है, तो आपको चूज़ करना है. तो जर्नल आइडिया, क्लिस्टोसीशियम किसे बोलते हैं, बस, ठीक है. पेनिसिलियम, अब मेंबर में आते हैं, तो पेनिसिलियम, एस्परजिलस, क्लेविस्पस, सैक्रोमाइसिस, न्यूरोस्पोर एंड पेजाइया, ये जो इसके मेंबर्स हैं यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है इस भी बेज से. पेनिसिलियम क्या क्या कैरेक्टर है, ब्लू ग्रीन मॉल्ट किसे बोलते हैं, एस्परजिलस ब्लैक मॉल्ट किसे कहते हैं, क्लेविस्पस से क्या डिजीज़ होता है, सैक्रोमाइसिस से पूछ लेंगे क्या है, न्यूरोस्पोरा जैसे लैब का ड्रोसोफिला बोलते हैं, इस पे पेजाइजा जैसे हो गया, तो ये सब इन पे बेस ऐसे जर्नल, काफ़ी जर्नल क्वेश्चन पूछे जाते हैं. बेसिडियो माइकोटीना पे आते हैं, तो बेसिडियो माइकोटीना से पूछे जाते हैं, जैसे क्लैम्प कलेक्शन किसमें, क्लैम्प कनेक्शन किसमें पाया जाता है, तो बेसिडियो माइकोटीना के मेंबर में, तो आपको जानना होगा क्लैम्प कलेक्शन कनेक्शन
कहते किसे हैं। फिर यूटिलागो से भी बहुत, यूटिलागो और पक्सीना से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि ये जनरली कंफ्यूजिंग होते हैं, आपको जानना होगा कवर्ड्स मट और लूज मट किसे बोलते हैं। फिर पक्सीनिया में जैसे इसके 5 टाइप के स्पोर्स पाए जाते हैं, ठीक है, यूरिडो, टेलिटियो, बेसिडियो, पिकनिडियो, एसियो स्पोर, ये काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं किस होस्ट पे होता है, कौन सा मोनोकैरियोटिक है, कौन सा डाइकैरियोटिक है, ठीक है। फिर इसमें से एक और चीज़ पूछा जाता है डॉलीपोर सेप्टम किसमें पाया जाता है, ये सब जनरल क्वेश्चन से बहुत बार आते हैं, बहुत सारे एग्जाम में ये कॉमन क्वेश्चन आते हैं। एगरिकस, पायरोबोलस, ये इनके थोड़ा सा आप पढ़ लीजिएगा है क्या ये, ठीक है, जिसे हम किसे खाते हैं किसे नहीं, हाइमेनियम किसे बोलते हैं। तो अगर हम बात करते हैं ये हमारा लास्ट जो मेम्बर है ड्यूटेरोमाइकोटिना का, डिटोरमाइकोटीना में आपको पता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता है, ऐसे ही इनमें से किस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता है, तो आप क्या चूज़ करेंगे, ड्यूटेरोमाइकोटीना, ठीक है। अब इनके मेंबर्स की बात करते हैं तो आगे अल्टरनारिया, कोलेट्रोट्राइकम, हेलमेंथोस्पोरियम और सर्कोस्पोरा, यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके। तो अल्टरनारिया आप इसका क्या कैरेक्टर है, कॉमन नाम क्या है, ये सब क्या डिजीज काज करता है, बस यही जनरल 3-4 पॉइंट्स बहुत पूछे जाते हैं। अल्टरनारिया का कॉमन नाम, डिजीज़ का उसका करता है, कोलेट्रोट्राइकम जैसे है, रेड रॉट ऑफ सुगर केन से रिलेटेड हेलमेंथोस्पोरियम, ये क्या डिजीज़ काज करता है, ठीक है। सर्कोस्पोरा जो है ये क्या डिजीज़ काज करता है या इसका डिजीज़ सिम्टम कैसे होता है, तो ये बहुत कॉमन क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लोग बहुत ज़्यादा तैयारी करते हैं लेकिन उतना ज़्यादा डीप नहीं पूछा जाता है। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं तो हम देखेंगे ये जो है आप कॉमन क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। पहले स्लाइड में हमने देखा कि यहाँ पे क्या आपको पढ़ना है, जनरल आइडिया अबाउट फंजाई, जनरल आइडिया अबाउट मेस्टोमाइकोटिना, जाइगोमाइकोटिना, ये फिर मैंने इनके अंदर मेस्टिको, जाइगो, एस्को, बेसिडियो, ड्यूटेरो के अंदर जो है कौन कौन से कॉमन क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन कौन से जीनस हैं जिस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये बताया। इस स्लाइड में मैं आपको बताता हूँ पूरा कॉमन क्वेश्चंस क्या हैं फंजाई पे, फंजाई पे जो कॉमन क्वेश्चंस हैं अलग से। तो देखिए दो टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक तो मेंबर बेस्ड, एक पूरे फंजाई के बारे में पूछा जाता है। तो ये जो सारे यहाँ पे चीज़ें थी ये मेंबर बेस्ड क्वेश्चन है। जैसे जाइगोमाइकोटिना में आपसे राइजोपस के लाइफ साइकिल में उसका कॉमन नाम पूछ लिया, उसका डिजीज़ क्या करता है, ये सब मेंबर बेस्ड क्वेश्चन है। मेस्टिकोमाइकोटिना में अगर बात करता है एल्बिगो, पाइथियम, ये सारे इसके मेंबर हैं, इस पर बेस्ड ये क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। जैसे क्लैम करेक्शन हुआ और डॉलीपोर सेप्टम हुआ, ये सब मेस्टिकोमाइकोटिना के अंदर वाले क्वेश्चन है, ठीक है। कॉमन क्वेश्चन हम बात करते हैं जो होल फंजाई से पूछा जाता है, होलोकार्पिक और यूकार्पिक आपको पता होना चाहिए टर्म्स क्या है, पैरासेक्सुअलिटी क्या है, हाइपरप्लाशिया और हाइपरट्रॉफी क्या है, ये टर्म्स का डिफिनेशन आपको पता होना चाहिए। डिफिनेशन मीन्स अगर पूछता है ये है क्या हाइपरप्लाशिया या हाइपरट्रॉफी एक दूसरे से कैसे डिफ्रेंशिएटेड है, या पैरासेक्सुअलिटी क्या है, होलोकार्पिक और यूकार्पिक एक दूसरे से कैसे अलग है, तो इनका आपको आंसर पता होना चाहिए। डीजनरेशन ऑफ सेक्सुअलिटी कैसे बेसिडियोमाइकोटिना में, बेसिडियोमाइकोटिना बोल रहा हूँ मतलब फंजाई में कैसे है, इसे यहाँ पे बताया जाता है कि लोअर टू हायर फंजाई में डीजनरेशन ऑफ सेक्सुअलिटी होता है। फिर हेटरोथैलिज्म क्या है वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक। फिर पैरासाइट्स के बारे में पूछता है, फैकल्टेटिव क्या है, ऑब्लिगेट पैरासाइट किसे बोलते हैं, ठीक है। डाई प्लैनेटिज्म क्या होता है ये पूछते हैं। और एक चीज़ और है, अगर आप बीएचयू का, जैसे मेनली मैं बीएचयू के बारे में बता रहा हूँ, लेकिन एक बात आप ध्यान रखिएगा जो भी और जगह पे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं सिमिलर हैं, मैंने बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ का सिलेबस देखा है, इसी पे बेस्ड है और यहीं से सारे क्वेश्चन आएंगे। फंजाई अकेले का फंजाई नहीं है, प्लांट पैथोलॉजी जब आप पढ़ेंगे वहाँ पे भी फंजाई है, क्योंकि दे आर एक्चुअली फाइटोपैथोजेनिक, और जो यहाँ पे एनिमल में भी काफ़ी पैथोजन काज करते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा फंगस जो है वहाँ पे हम प्लांट पैथोलॉजी में भी पढ़ते हैं। जो आपको लगेगा कि फंजाई से ही आ रहा है तो उसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे फाइटो एलेक्जेंस पूछे जाते हैं ये है क्या, बायोपेस्टिसाइड्स कौन कौन से हैं, ट्राइकोडर्मा एक फंगस है उसके बारे में भी क्वेश्चन आता है, फंगिसाइड्स कौन कौन से हैं, बॉर्डियक्स मिक्सचर पर बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, फंगल डिजीजेस कौन कौन से हैं, ठीक है, कॉमन फंगल डिजीजेस कौन कौन से हैं, या फिर डिजीज़ कंट्रोल हम कैसे करेंगे, प्लांट क्वारंटाइन किसे बोलते हैं, अफ्लाटॉक्सिन पे बहुत आता है, ईयर कॉकल ऑफ वीट पे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ये सब प्लांट पैथोलॉजी के पार्ट हैं और आए हुए हैं। श्योर अदर जो टॉपिक हैं यहाँ पे एरिसाइफी, फ्रैगमेडियम, मॉर्चेला, ये काफ़ी ज़्यादा कम पूछे जाते हैं लेकिन कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पे ये जो दो स्लाइड्स से मैंने ये लिखा है चीज़ें, ये आपको लगभग श्योर पता होना चाहिए, क्योंकि
ये लगभग 99% केसेस में ये सारे जो है आते ही आते हैं, यहीं कहीं से आते ही आते हैं। तो अगर आपका इतना टॉपिक कवर्ड है तो आप समझ लीजिए आप प्रिपेयर्ड हैं। बाकी अगर आप एक्स्ट्रा मेहनत करते हैं तो अच्छी बात है, ये टॉपिक्स आपके छूटने ही नहीं चाहिए। अगर ये आप छोड़ के जाते हैं तो समझ लीजिए आपने अच्छे से पढ़ा नहीं है। तो ये था फंगस के बारे में, मैंने आपको कॉमन फंगजाई के बारे में प्रीवियस लेक्चर बना के दिया था। ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसे आपको खुद से पढ़ना है। ठीक है, और मैं आपको एक चीज़ हमेशा से बताऊंगा कि ज़्यादा डीप में मत पढ़िए, ज़्यादा डीप में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, पर जनरल आइडिया सबके बारे में होना चाहिए, कॉमन कॉमन। इतना जैसे मैंने आपको बोला पाइथियन का आप देखेंगे अगर क्वेश्चन कहीं से भी उठाएंगे कॉमन ही पूछता है ये क्या डिजीज़ काज करता है, कहाँ काज करता है, कौन सा होस्ट है इसका, बस, या उसका कॉमन नाम पूछता है बस। ठीक है, और ज़्यादा कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं पूछता है वो कोई भी एग्ज़ाम हो M.Sc लेवल का। ठीक है, तो इसी के साथ मैं चलता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कोई नया वीडियो के साथ आऊँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। तो मैं चलता हूँ, कोई और वीडियो लेके आऊँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।